गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई चैनल। सो हम निकल गए हैं भानगर फोर्ट के लिए। दिव्या पीछे बैठी हुई है, शी सो नर्वस, उसको नहीं जाना, बट हम उसको जबरदस्ती लेके जा रहे हैं क्योंकि मेरे साथ बच्चा है। मैं इसलिए नहीं जाना चाहती, वहाँ पे बच्चों का जाना अलाउड नहीं है, मैं इसलिए जाना नहीं चाहती हूँ। इट इज द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। आर यू स्कैर्ड? नो, आई एम नॉट स्कैर्ड, बट मेरे साथ बच्चा है, अगर मैं अकेले होती तो आई वुड हैव डेफिनेटली बीन वेरी एक्साइटेड टू गो देयर। ओके, सो आई एम नॉट। रुद्राक्ष, आप कुछ कहना चाहोगे? हम जाएं भानगढ़। क्या होता है रुद्राक्ष वहाँ पे? भूत आते हैं। तो आपको भूतों से डर लगता है? नहीं। तो फिर हम चले? हाँ। तो बोलो कि गाइस हम पहुँचते हैं और फिर पहुँच के आपको दिखाएंगे भानगढ़ फोर्ट। ठीक है ठीक है, स्टे ट्यून, ऐसे कर दो। हाय। तो चलिए फिर पहुँचते हैं, फिर दोबारा दिखाऊंगी। सो दोस्तों, भारत में जब भी हॉन्टेड प्लेस की बात की जाती है तो भानगढ़ सबसे ऊपर आता है। तो आज इस व्लॉग में मैं आपको भानगढ़ की स्टोरी पूरी डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखें। वहाँ पे रुचिका भी अपनी बेटी को लेके आई थी। दोबारा से रुद्राक्ष, से हाय। हाय। हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? आई एम बैक अगेन। आई एम बैक अगेन। सो हम पहुंच गए हैं भानगढ़ फोर्ट। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ अलग सा ही खौफ है। यहाँ पर लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि रात के टाइम पर जो भी इंसान यहाँ गया है वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आया, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर नाइट के टाइम पर जाना ही बैन कर दिया है। ये किला वहाँ के राजा मानसिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई मोधा सिंह प्रथम के लिए बनाया था। भानगढ़ फोर्ट, मैंने सुना है यहाँ के बारे में, पहले के टाइम पे जो औरत सती हुआ करती थी उससे रिलेटेड है यहाँ पर, कि औरतें आती हैं रात के टाइम पे, ठीक है, 5 बजे के बाद एंट्री बंद है। बाकी डिटेल में जो स्टोरी है मैं आपको बाद में बताऊंगी, गाइडर से पूछो। तो यहाँ भानगढ़ की पूरी स्टोरी लिखी हुई है कि कैसे ये किला, जो एक टाइम पर बहुत ही सुंदर किला हुआ करता था, ये किला कैसे खंडर और भूतिया किले में कैसे बदल गया, क्या स्टोरी है इसके पीछे, क्यों यहाँ पर लोग रात में नहीं आते, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। स्टोरी ये है इसकी कि यहाँ पे एक राजकुमारी होती थी, राजकुमारी रत्नावती। अच्छा, ठीक है। तो वो बहुत ही खूबसूरत होती थी, बहुत सुंदर, ठीक है। जस्ट लाइक प्रिया। यस, दोनों दोनों, हाँ, लड़ना मत, लड़ना मत। तो वो उसे क्या था, एक दिन वो मार्केट में गई, ठीक है, अपने सहेलियों के साथ शॉपिंग करने। कौन था वो, सामने जो था? हाँ, वही था। तो वहाँ पे क्या था कि उसके दो फ्रेंड्स के साथ वो गई, ठीक है। तो एक राजा होता था, किसी किसी एरिया में रहता था वो, उसका नाम मुझे भी याद नहीं है। अच्छा। तो वो उसे पसंद करने लगा। Okay. और वो तांत्रिक था, काला जादू करता था, ठीक है, काला जादू करते हुए उसने जो उसकी उससे ना परफ्यूम की बॉटल खरीदी, इतर की बॉटल उस राजकुमारी ने, तो उसने उसको चेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। तो जैसे ही वो राजकुमारी लेके जाने लगी तो उसके एक फ्रेंड ने देख लिया कि उस बंदे ने उसके ऊपर काला जादू किया है, तो उसने उसको बताया और उसने वो भी बॉटल किसी पत्थर में रख दी राजकुमारी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो बॉटल है, बॉटल का जो इतर है वो पत्थर पर गिर गया, और वो पत्थर जिस बंदे ने, तांत्रिक ने, वो उसके ऊपर काला जादू किया था, वो उसके ऊपर लुढ़कता हुआ चला गया। Oh. और जिससे वो उसके ऊपर उसकी मौत हो जाती है, लुढ़कता चला गया तांत्रिक की। यस, क्योंकि उसने ऐसा कचल दिया, उसने ये किया था कि ये तर जो भी लेगा वो बस ना मेरे वश में जाएगा और मैं उसको अपने मेरा मेरे साथ उल्टा हो गया, वो उल्टा हो गया क्योंकि वो उसके पास चला गया लुढ़क के, तो मर गया। लेकिन उसने शराब दिया था कि यहाँ पे रहने वाले लोग और राजकुमारी एक दिन बहुत खतरनाक मौत मरेंगी। उसके बाद कोई आसपास का किला है, उनके आसपास यहाँ लड़ाई हुई तो उनकी आत्मा यही भटकती रही। तो ये स्टोरी है। No. राजकुमारी क्या पहना? राजकुमारी और यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों की। I can bear that.
स्टोरी आई। तो ये जो स्टोरी पल्लवी ने बताई, जब हम वहाँ से वापस आए तो मैंने इस स्टोरी के बारे में और पढ़ा कि क्या राज है, क्यों इसे भूतिया किला बोला जाता है। तो मुझे जो स्टोरी पता चली वो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कहते हैं इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी। वो बहुत खूबसूरत थी और किले के पास एक सिन्हा नाम का तांत्रिक रहता था जो राजकुमारी की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गया था और किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ मार्केट में इत्र खरीदने के लिए गई हुई थी। उस तांत्रिक ने देखा और उस इत्र में ऐसा कुछ मिलाया जिसे लगाते ही राजकुमारी तांत्रिक के वश में हो जाती थी। किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई और उसने ये बात राजकुमारी को जाकर बता दी। जैसे ही राजकुमारी को ये बात पता चली, उसने वो इत्र की बोतल बाहर फेंक दी और वो जाकर किसी पत्थर से टूट गई और काले जादू के कारण वो पत्थर तांत्रिक की तरफ चल दिया और तांत्रिक को उस पत्थर ने कुचल दिया। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दिया, भानगढ़ अब कभी सुखी नहीं रह पाएगा और यहाँ जो भी निवास करेगा सब मार दिए जाएंगे। ये श्राप वहाँ के तांत्रिक ने दिया था। और कहते हैं कि दिन में बहुत कम लोग आते हैं, कितने कम लोग हैं इस स्टोरी में ही बोला गया था। और रात को तो कोई आता ही नहीं है, यहाँ पर नहीं आता रात को, शाम को 5 बजे बंद हो जाता और दिन में बहुत कम लोग आते। तो आप देख सकते हैं कितने कम लोग हैं यहाँ पर, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा अभिषेक सर, आप भी पहली बार आए? यहाँ ऐसा कहा गया है कि रात में छन छन की आवाज आती है, घुंघरू की आवाज आती है। ओके, तो उसके लिए हमें रात को आना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे आना रात को बैन है। ओके, बट आई हर्ड कि बहुत सारे लोग हैं जो रात को भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि दिन में बहुत कम लोग आते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने कम लोग आते हैं, आप देख सकते हैं बच्चे आए हुए हैं, बूढ़े आए हुए हैं, जवान आए हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि रात को यहाँ पे चुड़ैलें लटकती हैं ऐसे हवा में। अच्छा, पीपल का फोटो फोटो क्लिक कराने के लिए लोग बैठे थे, इनसे खड़ा नहीं हो जा रहा है। तभी मैंने कहा कि यहाँ पे बूढ़े आए हैं, जवान आए हैं, हम रॉक कर देंगे। बूढ़े आए हैं, रॉक करोगे आप लोग? रॉक कर देंगे। अच्छा, देखते हैं कितना रॉक होगा अंदर। तो पल्लवी आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? और अभिषेक सर कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे ही बोल लो आप बूढ़ा जवान, चलो काम। हमारे तीन थकेले लोग आ रहे हैं, तो प्लीज इनको भी इंक्लूड कर लो बीच में, इनको भी स्टोरी बाद में सुना दी जाएगी। कुत्ता कट 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 भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। वाह क्या सीन है, कह रही कुछ नहीं है। बताओ वो देखिए, आप चेतावनी बोर्ड पे लगा था, आप उसे पढ़ सकते हैं। अच्छा ओके, पर स्टोरी तो हमें ऑलरेडी पल्लवी ने बता ही दी है। टिकट्स हमने ले लिए हैं। ये टिकट्स कितने की आई हैं पर टिकट? इस 25 It's for 20. Okay. मैं तो पहले ही कह रहा था इतनी ऊपर बैठे आज भीड़ की वजह से। राजा चैन से सो रहे हैं, जाग जाइए, हम आ गए हैं भानगढ़ फोर्ट। यार मुझे चक्कर आ रहे हैं। देखिए गाइस, इनके यहाँ बैठते ही इनको चक्कर आना शुरू हो जाता है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। तो आप कुछ तो गड़बड़ पता करो। गाइस मुझे लगता है इसके अंदर चुड़ैल आ चुकी है, क्योंकि इसके ये घुमाने उमाना चालू कर दिया है इसने। सुधांशु ऑल ओके, साइड टू साइड हो, क्या पता सच हो सकता है। अरे चलो यार हो गया, प्लीज साइड। सो गाइस मेरी जान खतरे में है, सबकी जान, इसकी कर लेगी नहीं। क्या है अंदर? लाशों की स्मेल। चलो जल्दी चलो, तो आप अंदर लाशों की स्मेल लेने जा रहे हो?
सो ये देखो हमारी डेयरिंग पल्लवी बिना किसी डर के अंदर जाकर चेक करते हुए कि अंदर कुछ है तो नहीं। ऐसे में बड़ा सख्त लॉकडाउन, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। सो जैसे कि मैंने बताया कि तांत्रिक मर गया और मरते मरते उसने भानगढ़ को श्राप दिया। सो उससे कुछ दिनों बाद मुगल योद्धाओं ने भानगढ़ में घुसकर उस पर कब्जा कर लिया। उस लड़ाई में लगभग 10,000 लोग मारे गए, जिसमें कई औरतें और छोटे बच्चे थे। राजकुमारी रत्नावती को उन्हीं के कमरे में घुसकर मार दिया गया। कहानियों की माने कि जो भी इंसान वहां सूरज ढलने के बाद जाता है वो मारा जाता है, क्योंकि वहां वो सब आत्माएं घूमती हैं। देख सकते हो यहां से अभी यहां तक आ गए हैं। जैक को भी बुला ले। प्रिया, आर यू गिविंग टाइटैनिक पोज? ये जैक बन रहे। अच्छा अचानक ही हो रहा है। तो स्टाफ कैसा हुआ था? चार थे, कर दिया आठ। गाइस ये हमारा हुक स्टेप है, स्टार्ट करो। गाइस ये प्रिया का हुक स्टेप है जो प्रिया हमेशा हर वक्त करती है, तो हमने इसको देखा लेकिन किसी लिए है। तो हम अभी कैसे करेंगे? 1 2 3 स्टार्ट। तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? जो सो हम ऊपर से भानगढ़ फोर्ट देख आए हैं, हमें तो कोई दिखा नहीं ऐसा भूत। आई थिंक हमारे 7-8 लोग तो इसी डर से नहीं आए। सो अ स्मॉल एडवाइस फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कि जब भी अगर आप इस किले में जाओ तो राइट हैंड साइड में जैसे ही आप किले में एंटर करते हैं तो एक मंदिर बना हुआ है। सो आप वापस आते टाइम जरूर एक बार इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। गाइस हम फाइनली किला देख आए हैं एंड हम अभी जस्ट किला देख कर आए हैं। तो मुझे तो ऐसा अंदर कुछ नहीं दिखा। मेरे बहुत से कलीग्स थे जो साथ में नहीं आए, जस्ट बिकॉज दे आर स्कैर्ड, कि बहुत उन्होंने सुना है कि यू नो वेरी हॉन्टेड प्लेस, तो यहाँ पे नहीं जाना नहीं जाना। तो ठीक है, ओके है, आप आ सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। बस थोड़ा सा है कि अंदर की साइड थोड़ा सा डर लगता है, बाकी तो ठीक है चलेगा। मैं अगर पल्लवी से भी पूछती हूँ कि उसको कैसा लगा। अरे गाइस देखो, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। रेस जो मैंने आपको बताया वो मैंने भी यूट्यूब पे सुना था, तो आप मतलब आप कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मैं बहुत अच्छा था, नाइस। गाइस अभी मुझे यहाँ एक बाबा ने बताया है कि बहुत टाइम पहले यहाँ पे हस्बैंड वाइफ आए थे और वाइफ आधे रास्ते तक चढ़ते ही थक गई, तो अगर उसको आगे ना चढ़ना पड़े, कोई बहाना ना मारती तो पति लड़ता उससे, तो उसने अपने बाल खोले और वो ऐसे भूतनियों की तरह करने लग गई।
तो तब से यहाँ पे कहते हैं कि तब से ये जगह भूतों की जगह से फेमस हो गई। तो क्या आपने ये स्टोरी सुनी है? हमने तो एक बाबा जी से पूछा था, उन्होंने बताया है। बैठा हूँ, फिर भी सुनाई है। बट ये मगलों ने तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब बोलो। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड प्लीज फॉलो।